क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब भी मेरा पप्पू ऑफिस जाए तो सबसे पहले आके मुझे बताना। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका अधिकार आप पर ज्यादा है ना। शट अप इडियट, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा तुम पर अधिकार है। ऐसा कभी लगा नहीं। जाओ, जाओ दादी माँ से कहो, दादी माँ आपका पप्पू जा रहा है। अब ये भी मुझे पप्पू कहने लगा। पप्पू? हाँ मामा। पप्पू बेटे, जा रहा है तू? हाँ मामा। और देख बेटा, संभाल के जाना। हाँ अच्छा मामा। और देख, रास्ता पार करते वक्त जरा गाड़ियों का ख्याल रखना, पहले दाएं देखना फिर बाएं देखना फिर रास्ता पार करना। मामा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, स्कूल नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, ऑफिस जाके तू क्या करता है बेटा? वैसे तो कुछ खास करता नहीं हूँ, आ जाके तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? स्कूल में जाके भी तो कुछ नहीं करता था। ठीक है ठीक है, कुकी से कह देना मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है कहने की। क्यों? समझ जाएगी अपने आप। और देख बेटा, पप्पू तू जरा शाम को जल्दी आना। हाँ बेटा। मामा? ओ, आज मेरा व्रत है ना बेटा, मुझे मंदिर ले जाएगा ना। अच्छा, ना? अच्छा, मेरा प्याला प्याला। क्यों चुप रहा हूँ मैं? अपनी माँ को तो कुछ कहते नहीं आप। अरे क्या कहेगा ये, मुझे क्या कहेगा? कुछ मुझे कहा इसने तो उसे शाम को खाना नहीं मिलेगा। और अगर मैं शॉपिंग नहीं चली गई तो रात का खाना आपको भी नहीं मिलेगा। धमकी किसे दे रही है? हाँ धमकी किसे दे रही है? ये मेरा घर है। ये आपका घर है? हाँ। अरे जाओ जाओ, ये तो मेरे केशु की कंपनी का घर है, आपका घर वहाँ है अमरावती में, जाओ जाओ। अरे भगवान, पप्पू पप्पू अब मैं इस औरत के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। ठीक है मामा, चलिए मैं आपको स्टेशन छोड़ के आता हूँ। क्या तू मुझे गाँव भिजवाएगा? अपनी माँ को गाँव भिजवाएगा? अरे इस झम्बक छलों के पीछे तू इतना पागल हो गया है? लेकिन मामा अभी अभी तो आपने कहा कि कोकी के साथ आप एक छत के नीचे नहीं रह सकती। नहीं, मैं इसी घर में रहूंगी लेकिन छत अलग अलग होगी। इसका मतलब एक ही घर में रहकर अलग छत के नीचे रहना चाहती है? हाँ। केशु सुना तुमने? हाँ सुना 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 आ चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने। वो बाद में करना, पहले घर आना। नहीं ऑफिस में। नहीं पहले घर आना। नहीं ऑफिस में। नहीं नहीं पहले पहले घर आना। ऑफिस में रुक। छोटा बच्चा समझ के मुझको ना समझाना रे। डुबी डुबी डम डम, डुबी डुबी डम डो। कांडे कैसे तैयार किए? किए। कितने? दो। टाइम गुप्ता एजेंसी के लेटर तैयार किए? किए। कितने? दो। मेरे कुछ फोन आए थे? आए थे। कितने? दो। देखो कुलकर्णी, मैं तुम्हें एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ। दो। ये बार बार तुमने दो क्या लगा रखा है? कब से एक हर सवाल का जवाब तुम दो दे रहे हो? सर सर वो क्या है, केशव की एक प्रॉब्लम हो गई है। कोई ऐसा दिन आया है जिस दिन इसकी कोई प्रॉब्लम ना हुई हो? नहीं सर, आज की प्रॉब्लम जरा जेन्युइन है। क्या है, क्या प्रॉब्लम है? सर कल तक इसके घर में एक ही चूल्हा था और आज दो। ये तुम बार बार दो कहोगे ना तो मैं तुम्हें चार दूंगा। तो सर 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 बात ये है कि इसकी मम्मी ने दूसरा चूल्हा बनाया है और वो सेपरेट रह रही है। गोखले, इसकी मम्मी को तो इसके जन्म से ही सेपरेट हो जाना चाहिए था। नहीं नहीं सर नहीं, आज केशव को कंसेशन दे ही दो। मैं इसे चार सीट दूंगा, चार सीट। दो। न जाने कब आएगी, रोज इसी समय निकलती है, आज ही देर हो गई। I'm sweet 16. आ गई। Going on 17. I'm sweet 16. Oh, Keiko ji ki mummy, aunt ji, how are you? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो बहू?
बहू, तुम मेरी बहू जैसी हो ना। बहू, मैं तुम्हारे ही घर आ रही थी। ऐसे क्यों? एक बात बताऊं, ये हमारी कोकी है ना, कोकी, उसने तो मुझे परेशान कर रखा है। अरे मेरा घर में रहना मुश्किल कर दिया है। लोग घर में रहना मुश्किल कर दिया है? आप हमारे घर आंच जी, हमें पेइंग गेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर मैं तुम्हारे घर में रहने नहीं आ रही हूँ बहू। नहीं? हाँ, रहूंगी मैं इसी घर में, लेकिन चूल्हा अलग करके। चूल्हा अलग कर लिया आपने आंच जी? हाँ। लेकिन आंच जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपको दूसरा गैस सिलेंडर कहाँ से मिला? किसी को बताना नहीं? नहीं, हमारे घर में है ना, सब चीजें दो दो है। सब चीजें दो दो है? दो दो। गुड, तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है? बाबा, नहीं नहीं बहू, एक छोटी मोटी चीज की जरूरत थी, तुम दे सकती हो? छोटी मोटी चीज? हाँ। और क्या चाहिए? थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? थोड़ी सी शक्कर? आंटी जी, मेरे घर में कल परसों, हाँ परसों मेहमान आए थे, सारी शक्कर खत्म हो गई। तो चाय की पत्ती मिलेगी? थोड़ी सी चाय की पत्ती? चाय, मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ। I only have coffee. तो कॉफी भी चलेगी? थोड़ी सी कॉफी मिलेगी? आंटी जी, हाँ जी, मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ, हमारे घर में कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है। तो तुम क्यों नहीं खत्म हो जाती? मेरा टाइम क्यों खराब कर रही हो? जाओ ना। आप मेरा टाइम खराब कर रही है, मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है। अगर जाओ ना, शूट करो। ये क्या शूट करती होगी? अच्छी जी, मेरे घर में सब कुछ खत्म हो गया है। हो गया बेटा? कुछ और चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हो गया मामा। तुम दोनों ने मिलकर इतना खिला दिया है, मुझे लगता है एक हफ्ते तक मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। बेटा, अब ये थोड़ी सी मिठाई खा ले बेटा। मामा, ये हरी हरी मिठाई कौन सी है? ये करेले की बर्फी है बेटा। करेले की बर्फी? केशु, केशु, मैंने तो तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। गाजर का हलवा? करेले की बर्फी, गाजर का हलवा, ये दोनों एक साथ खाऊंगा तो मेरा पेट फट जाएगा। ये मैं कुछ नहीं जानती, बर्फी तो तुझे खानी ही पड़ेगी बेटा। अगर केशु तूने ये नहीं खाया तो देखो आज से मैं खाना छोड़ दूँगी। नहीं क्योंकि मुझे लगता है खाना तो पड़ेगा। हाँ। आज से तुम दोनों मुझे जहर भी खिला दोगी तो भी खाना पड़ेगा। हाँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। स्टार्ट। अरे वाह, ये अच्छा है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, चूल्हा तो अलग कर दिया लेकिन कंबल मेरा ही ओढ़कर सोई है। कोले, क्या कर रही है? मेरा कंबल वापस दीजिए। तेरा कंबल? हाँ। छी 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 छी, उठा तेरा कंबल। क्या हुआ है इसे? अरे तेरा कंबल मैं ओढूंगी तो मुझे भी बुरे सपने आएंगे। सपने तभी आते हैं जब आप अच्छी तरह से सो सकती है। अरे जा जा, अपनी फिक्र कर, अपनी फिक्र कर, नींद तो तेरी उड़ने वाली है। आखिर मेरा पप्पू मेरा बेटा है। नींद तो आपकी उड़ जाएगी जब आप ही का बेटा पप्पू आपका टिकट कटवाएगा। लगी शर्त? लगी शर्त। अरे मैं दो दिन में साबित कर दूंगी कि मेरा पप्पू मुझे चाहता है। और मैं तो यूं साबित करके दिखाऊंगी कि वो आपसे ज्यादा मुझे चाहता है। तो लगी शर्त? लगी शर्त। अगर मैं हार गई तो अपने गाँव चली जाऊंगी। यस, और अगर मैं हार गई तो मैं यही रहूंगी। अगर तू हार गई तो आई, ये कैसी शर्त? मैं हार गई तो अपने गांव चली जाऊंगी और ये हार गई तो यही रहेंगी। बोला ना साहब, धीरे धीरे, गरम है, गरम है, गरम है। तो बस बस, बिस्कुट बिस्कुट को, ये हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है सर, खाइए इसको। चाय और लीजिए सर। खन्ना साहब, आप हमारा कोई प्रोडक्ट ले लीजिए ना। कैसे ले? आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ आपका प्रोडक्ट दिखाने के लिए नहीं आता। चिंता मत कीजिए सर, मैं अपना होनहार ऑफिसर आपके यहाँ डेमोंस्ट्रेशन के लिए भेज दूंगा। कोकले, उस भिकमंगा को बुलाओ। भिकमंगा? वो क्या है सर, हमारा एक बड़ा होनहार ऑफिसर है, उसका नाम ही भिकमंगा है। खन्ना साहब है, हमें करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। हेलो। हेलो सर। हेलो। हम चाहते हैं कुलकर्णी साहब आप हमारे फैक्ट्री में आके आपके प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन करें। ओके सर। क्या हमारा इंजेक्शन का ये है? हाँ सर, लेकिन ये डेमोंस्ट्रेशन यहीं पर कर लेते हैं ना, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? वो कैसे भाई? अरे खन्ना साहब कोई चिपका देता हूँ, पता चल जाएगा ना। आगे ऊपर कीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी।
इंतजार क्यों ले रहे हो बार बार? क्या है सर, इसके घर में दो दो चूल्हे है ना, माँ भी खाना पका दिया है, बीवी भी खाना पका दिया है। अरे आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी ये एक खाना हजम होने की दवा नहीं बनाती क्या? ये बच्चे ऑफिसर ने मेरे मुंह पे थूक दिया। टेस्ट सिलेंडर पे बात है क्या? हाँ सर आए। सॉरी सर, सॉरी सॉरी चलो चलो एक मिनट सर आप ये रखो। सॉरी सॉरी क्या करूं गोखले, आदमी जब करेले की बर्फी और गाजर का हलवा एक साथ खा लेता है तब ऐसा ही होता है। मुझे उस पर तरस आता है यार, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना तेरी सारी जिंदगी डकारते ही चली जाएगी। अरे यार आपके लिए फोन था। किसका फोन था? इनकी मम्मी का। क्या मैसेज है? उन्होंने कहा है कि पप्पू से कहना कि आते वक्त मेरे लिए एक साड़ी लेकर आए। गोखले बोल, अगर मैं अपनी माँ के लिए साड़ी लेकर गया तो कोकी मुझे पंखे पर उल्टा लटका देगी और बाद में समझ गया। अरे यार तो फिर भाभी के लिए भी कुछ लेके जा, वो महंगा हो जाएगा गोखले, बहुत महंगा हो जाएगा। केशव यार जब सास और बहू में झगड़ा हो जाता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। कुलकर्णी जी आपके लिए आपके बीबी का फोन था। क्या मैसेज है? उन्होंने कहा अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो उनके लिए कपड़े लेके आओ। तुम जाओ। मेरी बात मान लो केशव, घर जाते समय माँ जी के लिए सारी और भाभी के लिए भी एक सारी नहीं एक फैशनेबल ड्रेस लेके जा। अरे तू पागल हो गया गोखले, कोकी की साइज का ड्रेस कहाँ मिलेगा? मिलेगा यार, मिल भी गया तो कोकी कहाँ पहनेगी, कैसे पहनेगी? अरे प्यार से दोगे तो पहन लेगी। और एक मेरी बात मान ले केशव, अगर मार्केट जा ही रहे हो तो किसी ऑटोमोबाइल शॉप में इंक्वायरी कर लेना, किसी स्कूटर का साइलेंसर तेरे मुंह में फिट हो सकता है क्या? दिलरुबा जी मेरी मनु सास को यहाँ से फुटाने का कोई आइडिया बताइए ना। आइडिया? जहर दे दो। जहर? हाँ, मेरे पास चूहे मारने का बड़ा स्ट्रॉन्ग जहर, ड्रॉप में दो डजन चूहे गुल। अरे दिलरुबा जी हमारी ये बिल्ली चूहे के जहर से नहीं मरने वाली। अच्छा हाँ एक और आइडिया। कौन सा? छत पर ले जाके नहीं धक्का नहीं मारना है तो अरे धक्का देकर दरवाजा बंद करके कुंडी मारनी है। अरे आप जब कुंडी मार के नीचे आ जाएंगे ना उससे पहले वो पहुंच जाएगी। कैसे? पाइप से उतर। ओह माय गॉड। कोकी जी प्रॉब्लम क्या, प्रूव क्या करना चाहती हैं? मुझे सिर्फ ये साबित करना है कि केशु माँ से ज्यादा मुझे प्यार करता है। ये झूठ है, ये झूठ है। चुप कर, इस झूठ को सच में बदलना होगा वरना ये पनौती यहाँ से नहीं फूटने वाली। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों ने ये शर्त लगाई है कि केशु किसका है ये जो साबित कर सकेगी वही आ रह सकती है। नहीं नहीं मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अरे जी आप पे नहीं जाना। छोड़ दिया ललिता पवार, छोड़ तो दिया। ये जो धान बोरे कुछ नहीं। कोकी जी हाँ, जैसे कोई नया आइडिया आता है ना मैं आपको बताऊंगा। ओके कुछ कपड़े लाया हूँ आपके लिए मामा। मेरे लिए ना? मेरा बेटा केशु। तुम्हारे लिए भी लाया हूँ, ये लीजिए मामा, ये आपके लिए है और ये है तुम्हारे लिए कोकी। मामा मेरे लिए एक ग्लास पानी लाना। तेरी बीवी को बोल। कोकी मेरे लिए एक ग्लास पानी लाना। अपनी माँ को बोलो ना बद्दू। कमाल है, कपड़े ले लिए पानी कोई नहीं ला रहा। डैडी डैडी मेरा बेटा चिंटू, मेरे लिए तू पानी लाया बेटा। डैडी अब मेरे लिए आज क्या लाए? बेटे आज कुछ नहीं लाया, कल लेकर आऊंगा। हाँ ला पानी ला। इडियट इडियट क्या कर रहा है? पीलो। केश हाँ कुकी, तुम ये साड़ी लाया मेरे लिए ये? अरे नहीं कुकी, ये साड़ी तुम्हें मामा के लिए लाया हूँ। अरे तुम्हारे लिए तो कफलातुन ड्रेस लाया हूँ, पहन के निकलोगी तुम्हारा पूरा मोहल्ला हिल जाएगा। क्या बात कर रहा है कुकी? क्या है वो ड्रेस? कैसी लग रही है मामा ड्रेस? क्या घोड़े की तरह चिल्ला रही है? देव। ओह माय
माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैं शूटिंग करते करते गिर गए। गिर गई? कहाँ पर से? घोड़े पर से। घोड़े पर से? बेचारा घोड़ा ठीक तो है ना? यहाँ मैं दर्द के मारे पागल हो रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, लो बाबा मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ। समझ गया समझ गया, तुम्हारा एक ही इलाज है। क्या क्या? तुम जॉगिंग करो। क्या मैं चल नहीं सकती हूँ और तुम कह रहे हो जॉगिंग करो? अच्छा बाबा आओ, 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 मैं तुम्हें बेडरूम में छोड़ दूँ। आओ ओके, आओ मुझे उठाओ। डॉल तुम्हें 10 साल पहले उठाना ठीक था, लेकिन अब तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? तुम बुढ़े हो गए हो। नहीं, तुम भारी हो गई हो। शट अप, मुझे उठाओ। डॉल, अगर मैंने तुम्हें उठाया ना तो 4 आदमी और बुलाने पड़ेंगे। क्यों? मुझे उठाने के लिए। मुझे उठाओ। डॉल, आई लव यू, बुरे मत मानो, प्लीज। आओ मैं तुम्हें सहारा दूं। आओ आओ। पता, मुझे आज पता चला कि बीमार पड़ने पर ही पता चलता है कि पति पत्नी से कितना प्यार करता है। लाइटर तो कोकी जी को देना चाहिए। हेलो हेलो कोकी जी। दुर्गा जी, हाँ बोलिए। कोकी जी, आप अपनी सास को हराना चाहती हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। आप ये चाहती है ना कि आपके पति आपको ज्यादा प्यार करे और आपकी सास को कम? हाँ, मैं यही साबित करना चाहती हूँ कि केशु सिर्फ मुझे प्यार करता है, उसकी माँ को नहीं। तो आप बीमार पड़ जाओ। बीमार? बीमार पड़ने से क्या होगा? हाँ बीमार पड़ जाओ, अरे फिर केशु जी आपकी सेवा करेंगे, आपकी आपको सिंपति मिलेगी, आपकी खातिरदारी करेंगे। हाँ गुड आइडिया, अगर मैं बीमार पड़ती हूँ तो केशु सिर्फ मेरी खातिरदारी करेगा। गुड, थैंक यू दिलरुबा जी। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। बाय। हेलो। केशु केशु केशु, क्या हुआ क्या हुआ डॉल? माँ तुमने मुझे गिरा दिया और यहाँ तुम कोकी जी को फोन कर रहे हो। अच्छा बाबा, लाओ तुम्हारा हाथ दबा दूँ। लाओ, चोट मेरे पैर में लगी है और तुम मेरा हाथ दबाओगे? अच्छा लाओ पाँव दबा देता हूँ। हाँ हाँ जानती हूँ, सब जानती हूँ, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अरे शीशे में से बाल निकाल। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अब कैसा लग रहा है कोको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चिल्लाती क्यों? नहीं चिल्ला रही हूँ, तुम्हारी मामा चिल्ला रही है। इस उम्र में मुझे दूसरी माँ कहाँ से मिलेगी? अरे चुप, मैं अभी मरी नहीं। तो पप्पू मेरे पीठ में दर्द हो रहा है बेटा। मैं अभी आपके लिए गर्म पानी की थैली लेकर आता हूँ। मामा पप्पू, देखा मेरा पप्पू मेरा है, कैसा भाग के मेरे लिए हाथ बैग लेने गया। जाओ जाओ, आपने नहीं देखा क्या कितनी प्यार से मेरा सर दबा रहा था? कोकी, तेरे गले में क्यों नहीं दर्द होता? मामा,